मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विसाहूलाल के विवादित बयान पर राजपूत समाज में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के जावर में भी करनी सेना द्वारा मंत्री का पुतला जलाया गया और चेतावनी दी गई कि जब तक विसाहूलाल अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते, हम इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए मृदुभाषी के लिए जावर से प्रतीक भावसार की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ समक्ष मृदुभाषी चैनल हमारा आप सभी लोग देख रहे हैं और इस समय हमारे साथ है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। और करनी सेना का ये बिगुल जो है वो इस बार बजा है विसाहूलाल साहू, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं। और उनका एक बहुत ही बोल सकते हैं ऐसा बयान जिसका विरोध जो है इस समय पूरा संवर्ण समाज, राजपूत समाज का है, क्योंकि उन्होंने जो एक बयान दिया था उसके कारण वो अभी जो है विवाद में चल रहे हैं और पूरे भारत के अंदर उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश में। तो हमारे साथ आज करनी सेना के सभी लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज जावर में गांधी स्मारक पर विसाहूलाल जी का पुतला जलाया। हम इनसे पूछ रहे हैं, जानकारी देना चाह रहे हैं। हमारे साथ पूरे जावर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं अंकुश जी। अंकुश सिंह जी, बताएं किस बात को लेकर इतना विवाद है और किस बात से यहाँ पर पूरा माहौल गरमाया हुआ है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी क्या हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले ही कोई वो नारी सम्मान समारोह में अपने बयान दे रहे हैं, मतलब अपने भाषण दे रहे थे, लेकिन उनके भाषण देने में वो कहीं समाज को टारगेट कर रहे थे, स्वर्ण समाज को टारगेट कर रहे थे और नारी सम्मान तो वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। जो बात उन्होंने कही वो नारी सम्मान में तो हो ही नहीं सकती, किसी नारी का हाथ पकड़ना कहाँ तक का सही बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्वर्ण जाति को टारगेट कर, ठाकुरों को टारगेट कर, राजपूतों को टारगेट कर कहा कि हम स्वर्ण जाति की महिलाओं को हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे, तो शायद वो भूल गए। हमारा इतिहास ये था कि जब कोई अगर नारी को, हमारी माता बहनों को अगर आँख उठा के भी देख ले तो हम उसकी गर्दन अलग कर देते थे, तो वो तो हाथ पकड़ने की बात करते हैं। तो हम पूरी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और समस्त स्वर्ण समाज, वो किसी भी गांव में जहां भी दिखेंगे, जैसे भी दिखेंगे, हम उनका मुंह काला करेंगे। और शिवराज सिंह जी से हम अपील करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी इस्तीफा दिलवाए और पार्टी से बर्खास्त करें। और आज की घटनाएं, आज कुछ हमारे साथी भोपाल गए थे उनका माफ़ी मंगवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने करनी सेना वालों को गुंडा कह के वहाँ से हटाया है, तो उनको भी हम बता देना चाहते, वो भी अपनी कान आँख सब खोल के सुन ले, देख लें कि करनी सेना अगर गुंडाई पर आ गई तो किसी भी क्षेत्र में हम बोल रहे हैं कि वो घुस भी नहीं पाएंगे। अभी जैसे उन्होंने माफ़ी मांगी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? माफ़ी से हम इस बात को हम नहीं मान सकते, क्योंकि माफ़ी आजकल ये ट्रेंड बन गया है, कोई भी नेता कुछ भी बोल के माफ़ी मांग लेता है, तो हमको सिर्फ इस्तीफा चाहिए। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और सिर्फ अभी तो पुतला जलाया, अगर जल्दी इसकी हमारे इस्तीफा नहीं दिया, शिवराज जी ने एक्शन नहीं लिया, तो और उग्र आंदोलन होगा और पूरे मध्य प्रदेश में होगा। राजपूत, तो ये थे राजपूत करनी सेना के ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे बीच में अंकुश जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर आक्रोश है पूरे राजपूत समाज में और किस तरह से यहाँ पर माफी विसाहूलाल साहू के मांगने के बाद भी इन लोगों में संतोष नहीं है, ये सीधा इस्तीफा मांग रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे की जो भी इसकी खबर होती है इस मुद्दे को लेकर हम आपको जल्दी हमारे चैनल पर मृदुभाषी पर बताएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।